नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगत। आप लोगों का इतना सारा प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि पिछले दिनों में मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने हमको ढेर सारा प्यार भेजा, सब्सक्राइब के रूप में सब्सक्राइबर बने, वीडियो देखा, लाइक किया, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें और भी अच्छा लगेगा इसी तरह का सपोर्ट आपका हमें मिलता रहेगा तो हमारा मन वीडियो बनाने में लगेगा। हम आपके खिदमत में हाजिर हैं पार्ट 3 लेकर के, द रैट ट्रैप, फोर्थ लेसन, इंटरमीडिएट से। फर्स्ट दो पार्ट हम आपको दे चुके हैं क्वेश्चन आंसर के, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग हम आपको आगे देंगे। तो आज हम आपको थर्ड पार्ट बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। पहले हम ये जो 10 है यहाँ तक बता चुके हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे पार्ट 3 यानी कि 11 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक क्वेश्चन आंसर। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 क्वेश्चन। व्हाट डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइड टू डू विद द गेस्ट। आयरन मास्टर यानी कि मिल मालिक और उसकी बेटी ने, मिल मालिक और उसकी बेटी ने गेस्ट के साथ क्या करने का निश्चय किया। गेस्ट मीन्स पेडलर या रेड ट्रैप सेलर हम समझ सकते हैं। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वॉन्टेड द गेस्ट टू अकंपनी देम। मिल मालिक और उसकी बेटी चाहते थे गेस्ट का साथ देना, मतलब गेस्ट अकेला था, वो उसको अपने घर लाए थे, उसका साथ देना चाहते थे ऑन द क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव का मतलब है इवनिंग, क्रिसमस की शाम। आयरन मास्टर और उसकी बेटी उस अजनबी को यानी कि जो वो गेस्ट था, मेहमान था, उसका साथ देना चाहते थे एंड एंजॉय द क्रिसमस फूड, और उसके साथ क्रिसमस फूड को एंजॉय करना चाहते थे जो उन्होंने क्रिसमस के फंक्शन के तौर पर उन्होंने तैयार किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मिस्टेक हैड द आयरन मास्टर डन। व्हाट मिस्टेक द आयरन मास्टर डन, मिल मालिक ने क्या मिस्टेक की, मतलब क्या गलती की थी। व्हाट डिड ही वांट आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वेगाबॉन्ड इन ब्रॉड डेलाइट। व्हाट डिड ही वांट, ही मींस ये आपका आयरन मास्टर, आयरन मास्टर क्या चाहता था आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड मतलब फेरी वाले को पहचानने के बाद आयरन जो मास्टर था, वो जो आयरन मास्टर यानी कि मिल मालिक जो था, वह क्या चाहता था इन ब्रॉड डेलाइट। जब उसने दिन की रोशनी में वेगाबॉन्ड को पहचान लिया तो वो क्या चाहता था, मतलब पहचानने के बाद उसके मन में क्या आया, वो क्या चाहता था। आंसर देख लेते हैं। द आयरन मास्टर हैड मेड अ मिस्टेक इन रिकॉग्नाइजिंग द वेगाबॉन्ड। आयरन मास्टर, मिल मालिक ने वेगाबॉन्ड को, फेरी वाले को पहचानने में गलती की थी। ही थॉट, उसने सोचा दैट कि ही वॉज नील्स अलूफ हिज ओल्ड अक्वेटेंस। उसने सोचा कि वह उसका पुराना परिचित नील्स अलूफ है। जब उसने उसको रात्रि में फैक्ट्री में उसका स्लाउच हटाता है, उसकी हैट हटाता है, तो रात में चूंकि वो इतना गंदा होता है, उसकी दाढ़ी बड़ी होती है, तो जिसकी वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता है। एक तो रात का अंधेरा था, दूसरे दाढ़ी बड़ी थी, गंदे कपड़े, जिनकी वजह से वह उन्हें पहचान नहीं पाता है। तो इसीलिए ऊपर बोला गया है कि उसने वेगाबॉन्ड को पहचानने में गलती की थी। उसने सोचा था कि वह नील्स अलूफ है, उसका एक पुराना परिचित। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वेगाबॉन्ड, फेरी वाले को पहचानने के बाद, ही वॉन्टेड हिम टू गो अवे, वह चाहता था कि वह चला जाए फ्रॉम देयर एज सून एज पॉसिबल। वह चाहता था कि वह वहां से जितनी जल्द हो सके, जितनी जल्द संभव हो उतनी जल्द वहां से चला जाए। नेक्स्ट 13, वाई डिड द एडला विलमेंसन वॉन्ट टू गिव हॉस्पिटेलिटी
टू द वेगाबॉन्ड द स्ट्रेंजर. वेगाबॉन्ड फेरी वाला यानी कि उस अजनबी को या अजनबी का आदर सत्कार एडला विल्मसन क्यों करना चाहती थी. एडला यानी कि उस आयरन मिल जो मास्टर है उसकी बेटी एडला विल्मसन उस अजनबी फेरी वाले को इतना सत्कार क्यों दे रही थी, उसकी इतनी खातिरदारी क्यों करना चाहती थी, आदर सत्कार उसे क्यों देना चाहती थी. एडला विल्मसन वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड गर्ल. एडला बहुत ही दयालु हृदय की स्त्री थी, लड़की थी. सी वॉज वेरी सिंपथाइज्ड विद द बैड कंडीशन ऑफ द वेगाबॉन्ड. वह जो है वेगाबॉन्ड फेरी वाले की बैड कंडीशन को देख करके सहानुभूति से भर गई थी, क्योंकि उस पर उसे बहुत दया आई थी. सो सी वॉन्टेड, इसलिए वह चाहती थी टू गिव हॉस्पिटेलिटी टू हिम. उस पर तरस खाकर उसकी बैड कंडीशन को देख करके वह उसके प्रति सहानुभूति से भर चुकी थी, जिसकी वजह से वह उसका आदर सत्कार करना चाहती थी. हालांकि पहले वो पहचाना जा चुका था, उसके फादर उसको पहचान चुके थे, बावजूद इसके उसको उस पर दया आती है उसकी बैड कंडीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द रेड ट्रैप सेलर पास हिज टाइम इन आयरन मास्टर्स होम. हाउ डिड द रेड ट्रैप सेलर पास. रेड ट्रैप सेलर मतलब चूहेदानी बेचने वाला जो था, उसने आयरन मास्टर के घर में अपना टाइम, अपना समय कैसे गुजारा. हाउ डिड द रेड ट्रैप सेलर पास हिज टाइम इन आयरन मास्टर्स होम. मिल मालिक के घर में फेरी वाले ने यानी कि चूहेदानी बेचने वाला जो है अपनी रात कैसे गुजारा, तो आइए देखते हैं अपनी रात वो कैसे गुजारता है. आंसर देख लेते हैं. द रेड ट्रैप सेलर पास्ड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन आयरन मास्टर्स होम व्हाइल स्लीपिंग. चूहेदानी बेचने वाले ने या चूहेदानी बेचने वाला अपना ज्यादातर का समय जो है आयरन मास्टर के घर में, अपना ज्यादातर समय आयरन मास्टर मिल मालिक के घर में सो करके बिताता है. बिकॉज ही हैड नेवर स्लेप्ट सो कंफर्टेबली इन हिज लाइफ बिफोर. क्योंकि वह अपने जीवन में इतनी आराम से, इतने कंफर्टेबली मतलब पहले कभी सोया नहीं था. जब उसको एक अच्छा सा बिस्तर मिलता है, गद्दा मिलता है, तो वो आराम से सोता है और मतलब काफी सोता है, काफी समय सोने में गुजार देता है. तो उसको इतना आराम ही मिलता है क्योंकि उसने जीवन में पहले कभी इतना आराम से सोया ही नहीं था. वॉट इंफॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव एट द चर्च. मिल मालिक ने और उसकी बेटी ने कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन सी जानकारी, कौन सी सूचना उन्होंने चर्च से रिसीव की, अर्थात चर्च से उनको मिली. मिल मालिक और उनकी बेटी को चर्च से कौन सी सूचना मिली. द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर हर्ड. मिल मालिक और उनकी बेटी ने सुना, चर्च में सुना कि वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर मतलब कि एक बूढ़ा किसान ऑफ द आयरन वर्क्स, जो एक आयरन वर्क्स का था, लौह फैक्ट्री जो वो थी, उसमें का जो हैड बीन रॉब्ड, जो लूटा जा चुका था बाई अ मैन, एक ऐसे आदमी के द्वारा, हु वेंट अराउंड, जो घूमता था सेलिंग रेड ट्रैप्स मतलब चूहेदानी बेचता हुआ जो घुमा करता था, एक ऐसे आदमी के द्वारा आयरन वर्क का एक क्रॉफ्टर यानी कि एक कृषक लूटा जा चुका था, यह सूचना उनको मिली. नेक्स्ट एंड लास्ट, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम. यहां पे स्पेस नहीं है, ठीक है, रिसीव फ्रॉम द पेडलर. तो एडला ने फेरी वाले से क्रिसमस के उपहार स्वरूप क्या पाती है फेरी वाले से. हाउ डिड शी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. व्हाई डिड शी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. वह खुशी से क्यों चीख उठती है, मतलब वो जब वो गिफ्ट देखती है, जो प्रेजेंट देखती है, तो अचानक से वो कुछ क्षणों के लिए जो है खुशी से चिल्ला उठती है. क्यों चिल्ला उठती है ये देखना है. एडला रिसीव्ड अ स्मॉल रेड ट्रैप्स. एडला ने या एडला को एक स्मॉल यानी कि छोटी सी चूहेदानी मिली एज अ क्रिसमस प्रेजेंट.
मतलब क्रिसमस के उपहार स्वरूप फेरी वाले से, फ्रॉम द पेडलर, फेरी वाले से एक छोटी सी चूहेदानी मिली. सो इसलिए सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, इसलिए वो खुशी से चिल्ला उठती है. और एक वजह ये भी है कि टू सी द 30 क्रोनर्स, और वह 30 क्रोनर्स भी एक वजह थी उसके खुशी की कि विच ही आस्क्ड टू रिटर्न टू द ओल्ड क्रॉफ्टर, जिसे उसने अर्थात फेरी वाले ने कहा था टू रिटर्न लौटाने के लिए टू द ओल्ड क्रॉफ्टर, ओल्ड क्रॉफ्टर को, अर्थात जहां से उसने क्रॉफ्टर के जो चुराए थे 30 क्रोनर्स उनको वापस करने के लिए वह जो है उसे कहता है, यानी कि एडला से कहता है. उस पत्र में एक पत्र लिखता है जिसमें उसने एडला से कहा था कि जो 30 क्रोनर्स ये हैं ये आप उस कृषक को दे देना जो उसके द्वारा चुराए गए थे, क्योंकि वह बदल चुका था एडला के बिहेवियर से, काफ़ी प्रभावित हुआ था. तो उसने अपना जीवन अच्छे से गुजारने के लिए उसने सोचा कि अब हम चोरी वोरी नहीं करेंगे और अच्छे से अपना जीवन बिताएंगे. इसलिए एडला बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके फादर बहुत कहते हैं कि ये ठीक नहीं है आदमी, पसंद नहीं है, जो भी उसको समझाते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर भरोसा करती है. तो यहाँ पर उसका भरोसा एडला का जीतता है. उसने देखा कि उसको एक चूहेदानी भी मिली थी गिफ्ट स्वरूप, वो तो कम वजह थी, लेकिन वो इसके इस व्यवहार को देख करके खुशी से चिल्ला उठती है कि वो एक चोर होते हुए भी उसने 30 क्रोनर्स जो उसने क्रॉफ्टर के चुराए थे उससे प्रभावित होकर, उसकी बातों से, एडला की बातों से प्रभावित होकर उसने क्रॉफ्टर को लौटाने के लिए उसके घर पर वो छोड़ गया था. तो बहुत बड़ी बात है जो एडला से वो प्रभावित हुआ, इसलिए वो बहुत खुशी से चिल्ला उठती है, उसको अच्छा लगता है इस बात से, एडला बहुत खुश होती है. तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये था आपका पार्ट 3 द रेड ट्रैप से. ठीक है, तो आगे हम आपको शायद लॉन्ग प्रोवाइड कराएंगे इसी चैप्टर के. तो अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, अगर कोई कमी लगी है हमारी तरफ से तो वो भी हमको बताइएगा. ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय.